वोट किया आपने? वोट किया जी 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 जी। किस आधार पे, किस मुद्दे पर वोट कर कराए? भ्रष्टाचार पे, गरीबों के लिए बड़ी सहायता हो रही है, अन्न मिल रहा है, घर बैठे गैस मिल रही है, विकास हो रहा है। हाँ। और एकदम दबंग और मजबूत नेता है। महेश शर्मा जी यहाँ से खड़े हुए बीजेपी। महेश शर्मा जी हम तो सालों में देखते भी नहीं उनको। अच्छा। पर योगी और मोदी जी को वोट पड़ा ना। शिक्षा सबसे जरूरी है और जो बेरोजगारी और ये हमारी सब तरह की जितनी भी परेशानियां हैं वो सिर्फ शिक्षा से ही सॉल्व हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि बस कोई भी सरकार आए वो शिक्षा पे ज्यादा जोर दे। लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण है और मैं आपको बता दूं कि 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग है, जिसमें से एक गौतम बुद्ध नगर भी है। गौतम बुद्ध नगर में ही इस वक्त हम मौजूद हैं। सेक्टर 22 में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र के बाहर लोगों की भारी भीड़ है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं वोट देने के लिए। कुछ लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, अंदर और भी ज्यादा भीड़ है, लोगों की लाइन लगी हुई है, लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वोट डालने के लिए। देखिए आप लोगों से बातचीत करते हैं, किस आधार पर निकले थे वोट डालने के लिए, क्या सोचकर निकले थे? क्या सोचकर निकला, मतलब अच्छा है, मतलब करना चाहिए ना, अपना अपना कर्तव्य पालन कर रहा मैं। दिया वोट? दिया वोट, दिया कुछ एक है। अच्छा क्या लग रहा है, हवा कहाँ है, लहर किसकी तरफ है? लहर वो बता नहीं सकता मेरे। चलिए ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहां से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर महेश शर्मा जी अब की बार दोबारा खड़े हुए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर को चुनावी मैदान में उतारा है। बीएसपी ने राजेंद्र सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। तमाम लोग आप यहां पे देख सकते हैं, थोड़ा आगे आइए, लोगों से बातचीत करते हैं कि किस आधार पर वोट करने आए हैं और हवा किसकी तरफ है, क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है सरकार के काम को लेकर। वोट कर दिया आपने? जी मैम। क्या सोच के निकली थी मैम वोट? बस वोट देना था, पहली बार वोट दिया है तो। पहली बार वोट दिया? अच्छा जी मैम। पहली बार वोट दिया जी। कुछ सोचा को, किसी मुद्दे को सोच के आई हुई, किस आधार पर आप वोट देने जा रही हैं? काम, विकास, शिक्षा, चिकित्सा, तमाम। हाँ, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं तो बस सोचा चलो वोट दे देते हैं। चलिए आप, क्या वोट दिया आपने अभी तक? किस आधार पर आप निकले थे घर से बाहर कि आज इस आधार पर वोट देंगे, इस मुद्दे पर वोट देंगे, सरकार के इस काम से खुश होकर हम वोट? सरकार बहुत अच्छी तरह से काम चला रही है। हाँ। विकास का काम सही कर रही है। हाँ। उस आधार पर दिया मैंने वोट। अच्छा। क्या लग रहा है आपको, हवा कहाँ है अभी? है? हवा कहाँ है? हवा तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। आपने दिया वोट? दिया। हाँ, बीजेपी को। वोट देकर आए, किस आधार पे वोट दिया आपने, क्या सोच के घर से निकले थे कि वोट देने जा रहे हैं? बीजेपी को वोट देंगे, अच्छी सरकार चलाती है, इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा महेश शर्मा जी का काम कैसा है? उनका नहीं कह सकते जी, यही से सांसद उम्मीदवार बीजेपी के बहुत यहीं से है ना। आप क्या सोचते हैं, क्या चीज के बारे में? महेश शर्मा जी का काम कैसे? महेश शर्मा जी का बहुत अच्छा काम है, कई बार से सांसद हो रहे चुके हैं और तीसरी बार अब लोग। हाँ, तीसरी बार, और लोकप्रिय नेता है यहाँ के। अच्छा। और महेश शर्मा जी की हमारी बेटी ने वोट दिया है, बेटे ने भी दिया है, लेकिन मैंने बीजेपी को दिया। ठीक है चलिए इधर चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। दे दिया मैम आपने वोट? दिया अभी देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं तो अच्छा ये बताइए, अभी आप वोट अंदर देने जा रहे हैं, क्या सोच के वोट निकले क्या सोच के वोट देने निकले कि किस आधार पे आज आप वोट डालेंगे? विकास, शिक्षा, बहुत मुद्दे हैं हमारे पास। मैं तो इसलिए देने निकली हूँ कि मेरे को लगता है कि मेरे को अपना वोट बहुत कीमती है, देना जरूरी है। मतदान एक ही अधिकार होता है। हाँ जी, ये अधिकार है मेरा। तब क्या वही दे देंगे जी, सही है ना भाई? सोच समझ के लिए इशारा काफी है, समझ के देंगे। आइए इधर चलते हैं, आपने वोट दिया? जी मैम दिया। दिया, क्या सोच के घर से निकले थे, किस मुद्दे पे वोट देकर आई आज? अब अपने मन के बाद क्या कहे, जो हमको अच्छा लगा उसके दिए, हमको अच्छा। जो मतलब अच्छा काम करे हमारे लिए, हमको ऐसा लग रहा है हमारे बाल बच्चे के लिए जो सुरक्षित रहेंगे उनको वोट दिए। क्या लग रहा है आपकी बार, हवा किसकी तरफ है, लहर किसकी है? अब लहर तो वो बाद में पता चलेगा ना। हाँ। अभी तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसा है जो है जिनके पे है उनके पे है। अच्छा। वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, वोट दिया आपने चाचा? दिया। क्या सोच के निकला था आप वोट देना? तो बस मोदी और योगी ये होते हैं। अच्छा, महेश शर्मा जी यहाँ से खड़े हुए बीजेपी। महेश शर्मा जी हम तो सालों में देखते भी नहीं उनको, पर योगी और मोदी जी को वोट पड़ रहा है।
लेकिन महेश शर्मा देखिए उम्मीदवार तो बीजेपी के नहीं है तो सही वोट चलो उनके बोंदी और योगी के नाम से उनको वोट पड़ा। अच्छा, उनको वोट पड़ा है। हाँ। उनका काम नहीं था कि अच्छा मेरे को तो दिखता नहीं उनका काम पर योगी और मोदी है हमारे बेस्ट चीफ एंड लेयर किसकी तरफ लग रही है फिर अभी तो मोदी की तरफ हाँ जी भैया क्या सोच के घर से निकले थे घर सोच के निकले बस जो काम हो रहा अच्छा हो रहा मोदी अच्छे काम कर रहे हैं हाँ जी महेश शर्मा अच्छे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हाँ महेश शर्मा कर रहे हैं मोदी को वोट जा रही है सभी हाँ जी हाँ जी तो क्या सोचते हैं भीड़ है अंदर ये बताइए नहीं भीड़ तो नहीं भाई काम सही हो रहा भीड़ जब होगी मशीन खराब होगी हाँ जी मशीन सारा कुछ सही है सिस्टम सही है ये बताइए वोट डाल कर आए नहीं अभी नहीं डाल कर क्या सोच के घर से निकले क्या किस आधार पर वोट करेंगे वोट करेंगे काम के आधार पर काम के आधार जो काम करेगा उसको वोट मिलेगी किसने कराया काम अभी तक तो यहाँ तो ग्रेट इन नोएडा में ज्यादातर महेश शर्मा चलिए वोट किया आपने वोट किया जी 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 किस आधार पे किस मुद्दे पर वोट कर कराए भ्रष्टाचार पे गरीबों के लिए बड़ी सहायता हो रही है अन्न मिल रहा है घर बैठे गैस मिल रही है विकास हो रहा है और एकदम दबंग और मजबूत नेता है हर चीज का फैसला लेने के लिए जो कोई नहीं ले सकता वो मोदी जी ले सकते हैं अच्छा। जी क्या लग रहा है आपकी बार हवा खाएं हवा तो सारे मिलके मोदी जी को गिराना चाहते हैं लेकिन वो शेर हैं शेर तो शेर ही हैं अच्छा। जी अंदर भीड़ है अंदर भीड़ है बीजेपी वालों की लंबी लाइन है और दब के वोटिंग हो रही है परेशानी केवल एक ही है कि मोबाइल लाएं वो लोग कहां रखें इस वजह से वो लोग वापसी भी जा रहे हैं ये एक बड़ा मुद्दा है सर वोट दिया वोट देकर आ रहे हैं हाँ जी हाँ जी किस मुद्दे पे वोट देकर आए किस आधार पे सोच कर आए थे आज घर से कि इसको विकास शिक्षा हाँ। और बच्चों के लिए तो ये जितने भी आपने पॉइंट्स अभी मुझे गिनवाए हैं इस पर काम हुआ है हल्का हल्का काम हुआ है अच्छा। क्या लग रहा है लहर किसकी तरफ वो बात बताएंगे चलिए ठीक है आपने वोट दिया सर क्या सोच के घर से निकले थे सोच के निकले थे कि ऐसा हो ऐसी सरकार आए जो शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे है ना शिक्षा सबसे ज़रूरी है और जो बेरोजगारी और ये हमारी सब तरह की जितनी भी परेशानियां हैं वो सिर्फ शिक्षा से ही सॉल्व हो सकती हैं हम ये चाहते हैं कि बस कोई भी सरकार आए वो शिक्षा पे ज़्यादा जोर दे जी तो यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार महेश शर्मा हैं और समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर को खड़ा करा है बीएसपी ने राजेंद्र सोलंकी को खड़ा करा है क्या लग रहा है टक्कर है तीनों में जी तीनों में टक्कर है लेकिन महेश शर्मा जी का काम बहुत अच्छा है यहाँ पे बीजेपी का तो देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट है जी हमें पूरी उम्मीद है कि महेश शर्मा जी ही आएंगे चलिए ठीक है लेकिन लहर किसकी तरफ लग रही है आपको माहौल क्या है इस वक्त माहौल तो इस समय गरमाया हुआ है लेकिन भाजपा ही जीतेगी जी चलिए आपने वोट दिया बस देने वाले हैं बस मैडम आ रही है हमारी क्या मुद्दा क्या घर से सोच कर निकले कि आज वोट देना है अपना अधिकार का इस्तेमाल करना है इस मुद्दे पे हम वोट देंगे तो वोट तो देना ही देना है तो हमारा अधिकार है हाँ। और मोदी जी 400 पार हैं 400 पार हैं बिल्कुल 400 हाँ। पर ही जाएंगे अच्छा ये हमारी गारंटी है वोट देकर आए आप जी दे दिया देने जा रहे हैं क्या सोच कर आए घर से इस मुद्दे पे आज हम वोट देंगे भाई अपना अधिकार का इस्तेमाल अच्छे से करें हमारे मोदी जी बने अच्छा जी मोदी जी हमारे देश नेता अच्छा है मोदी जी बने लेकिन क्यों बने क्या काम कर दिया ऐसा मोदी जी सब कुछ किया मोदी जी ने क्या नहीं जी आवास भी दिए पेंशन भी दी रोजगार भी रोजगार वो दिया सबको दिया हाँ सब दे रहे हैं अच्छा कोई कमी नहीं है नहीं 2000 रुपए जो खाते में मिल रहे हैं इससे बढ़िया बात और फिर क्या ही हो सकते हैं 2000 क्या करते हैं 2000 अरे अपने इस्तेमाल करते हैं घर परिवार में लगाते हैं अच्छा। चलिए ये बताइए लहर किसकी तरफ लग रही है फिर आपको फिर मोदी जी की तरफ यहाँ से महेश शर्मा अभी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से खड़े हैं महेंद्र नागर भी हैं राजेंद्र सोलंकी भी हैं तीनों में टक्कर लग रही है आपको नहीं हम तो महेंद्र जो है महेश शर्मा जी को देंगे काम कैसा है उनका बढ़िया है बढ़िया काम जी क्या काम कर रहे हैं क्षेत्र में क्या विकास वगैरह कुछ हुआ है कुछ सब कुछ कर रहे हैं वो जी दिया वोट दिया हाँ दे दिया किस मुद्दे पे वोट देकर आई हैं आज क्या चाहती हैं क्या बदलाव हो बच्चों को नौकरी मिले हाँ। और क्या बदलाव और हम लोग तो उत्तराखंड के हैं वहाँ तो कुछ भी नहीं है अच्छा। उत्तराखंड में यहाँ रहती हैं हाँ कब से रह रही हैं यहाँ पर यहाँ तो बहुत सालों से रह रही अच्छा। हाँ तो वोट वगैरह सब यहीं का है हाँ अच्छा। तो उत्तराखंड में नौकरी नहीं है तो हाँ। क्या करेंगे वहाँ अच्छा। तो इसलिए बच्चों को चाहिए अब नौकरी तो बच्चों को भी नहीं मिल रही है नौकरी और क्या चलिए ये बताइए आपके पर महेश शर्मा यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार हैं बीएसपी ने राजेंद्र सोलंकी को उतारा हुआ है समाजवादी पार्टी ने महेंद्र नागर को उतारा हुआ है तो तीनों में टक्कर दिख रही है आपको क्या लग रहा है माहौल क्या है योगी और मोदी को ही देख के सब वोट दे रहे अच्छा हाँ चलिए योगी और मोदी के फेस पे वोट दे रहे हैं तो महेंद्र शर्मा जी का काम अच्छा नहीं है क्या यहाँ पे
उनको तो हमने देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, आपने नहीं, नहीं वो तो कभी आते ही नहीं है ना, कैलाश हॉस्पिटल उनका ही। हाँ हाँ है पर देखा नहीं, देखा नहीं, 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 नहीं। अच्छा क्या लग रहा है फिर रुझान किसकी तरफ है तीनों में से? है तो बीजेपी की तरफ है। आपने दे दिया वोट? चले ये बताइए घर से निकले हैं क्या मुद्दा सोच के निकले कि आज मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल करूंगा और इस मुद्दे पर मैं ये बटन दबा के बाहर निकलूंगा? मुझे तो दंगा फसाद सबसे बहुत बेकार लगता है। हाँ। उस मुद्दे पे मैंने वोट करना चाहता हूँ। तो बाकी तो यहाँ पे नोएडा में विकास बहुत है। हाँ। मैं तो जैसे बाहर से आया हूँ, बाहर से जब हमारे स्टेट से आया हूँ वहाँ पे उतना विकास नहीं। कहाँ से आए? वेस्ट बंगाल से आया हूँ। तो उधर उतना विकास नहीं है जो हमारे यूपी में नोएडा में बहुत ज़्यादा विकास है, तभी हम लोग यहाँ पे आना पड़ता है। तो मैं तो उन्हीं को वोट देना चाहता हूँ जो विकास अच्छा करता है। अच्छा तीन कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, तीनों में क्या टक्कर दिख रही है आपको? नहीं मैं तो महेश शर्मा। महेश शर्मा, अरे क्या बात है, चलिए ठीक है। देखिए हम लोग गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 22 में मौजूद थे जहाँ पर लोग अपने घरों से लगातार बढ़ रहे हैं मतदान केंद्र की तरफ। आप देख सकते हैं हम लोग गांधी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के बाहर खड़े हुए हैं जो कि सेक्टर 22 में आता है, गौतम बुद्ध नगर में आता है। और यहाँ पर लोगों की भीड़ ताता लगा हुआ है वोट देने के लिए। लोग लगातार बढ़ रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चाहते हैं इसकी सरकार बने। और हमने लोगों से बातचीत की है कि इस आधार पे आज घर से निकले हैं वोट डालने, ये मुद्दा है हमारे पास, इसलिए हम ये बटन दबाएंगे और बाहर आएंगे। आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, नोएडा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।